भवन की मंजिलें टिकाऊ हों उसके लिए चार चीज रजत या तांबे की बनाकर, जो जल उसके लिए इस्तेमाल में प्रयोग में लिया जा रहा है उस टंकी में होदी में जो भी व्यवस्था की है उसमें इन चार चीजों को डाल दीजिएगा। जो आज नए लोग कुछ जुड़े हुए होंगे इसलिए जहां से मैंने कल बात को छोड़ा है और वहीं से आरंभ कर रहा हूं। ध्वज सिंगे तौ चगजे ये ते गवि शुभ प्रदा, लिखाए ध्वज सिंह गज और नंदी, ये शुभ प्रदा बहुत ही ज्यादा शुभ है। शुभ क्या, ये अति शुभ है। जो आप ध्वज लगाते हैं ये आयु को बढ़ाने वाली है। जो आपने जो ध्वज डाली है ये उस परिवार में रहने वाले लोगों की उम्र को बढ़ावे। जो आपने वहाँ पर जो नंदी को उसमें जल में आपने डाला है, भगवान नंदीश्वर के द्वारा आपके घर में देवी देवताओं का अर्चन बंदन और पूजन, और जो आपने उसमें एक हाथी बना करके डाला है, अब तो पलंग होते हैं नहीं तो खाट चारपाई, आने वाले लोगों के लिए कहीं कोई बिस्तरों की किसी सामग्री की कमी ना आवे, ये उस गज की महिमा है। जो आपने सिंह डाला है एक रजत का बना करके, ये एकाग्रचित्तता आत्मसंयमित उस घर के लोग अपने मन मुताबिक किसी गलत रास्ते पर पाम न रखें। उस घर में जन्म लेने वाले लोग धर्म कर्म और अपने रास्ते को ही प्रशस्त करें। ऐसा नहीं है अपने मन मुताबिक वहाँ की बेटियाँ अपने हिसाब से विवाह कर लें, वहाँ के पुत्र लोग हैं वो अपने हिसाब से विवाह कर लें, ऐसे तमाम तरह के दोष होते हैं जिनको ये चारों चीज़ें समाप्त करती हैं। गजाए वा ध्वजाए वा गजानम सदनम शुभम, ये गज ध्वज सिंह और नंदी यह बहुत शुभ है। जिनके मकान बन गए हैं वह भी इन चारों को बना करके अपने घर में इसको आप रख सकते हैं। वास्तु के अनुसार ये चारों के चारों अति शुभ हैं। तो यह मैं चर्चा आपके बीच में कर रहा हूँ। गजाए संपदा वृद्धिम, जो आपने गज है रखा है ये संपदा को देने वाला है, संपदा वृद्धिम शोक दुख खदा, ये घर के शोकों को दुखों को परेशानियों को दूर करने वाला है, ध्वजायु को बढ़ाने वाली है। तो सिंह है उस घर के लोगों को चरित्रवान बनाए, ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका अपने आप में निश्चित रूप से एक प्रभाव तो है ही। आइए अब मैं आपको उधर लेकर के चलता हूँ कि आप जो घर का निर्माण कर रहे हैं उसमें कौन सी दिशा में कौन सी चीज आप बनाए। आप कागज और कलम लेकर के बैठिएगा, ये आपके लिए सुनना एक जरूरी नहीं ज्यादा ही जरूरी है, ये आप सुन लें। कौन सी दिशा में कौन सी चीज बनाए उसका वर्णन हमारे ग्रंथों में लिखा है। ईशानाम देवता गे हम पूर्व शम स्नान मंदिरम आग्नेयं पाक सदनं भंडारागारमुत्तरे, गृह के मध्य से ईशान कोण का जो बिल्कुल कोना है उसमें पूजा घर बनाना चाहिए, बहुत शुभ है। उत्तर और पूरब इसके जो बीच का जो स्थान है उसको ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण में मंदिर अति शुभ है। शुभ क्या, बहुत ही ज्यादा शुभ है। ईशान कोण में यदि मंदिर बनाया जाए कुबेर के भंडार में कमी आ सकती है लेकिन उन लोगों के धन में कमी नहीं आएगी। एक दिन मैंने और भी बोला है ईशान कोण में कुबेर का भंडार घर है, वो अपना धन वहां पर रखते हैं, वो अपनी तिजोरी वहां रखते हैं, वो अपना पैसा वहां पर रखते हैं। भगवान शंकर की जगह है यह है, जिसको ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। ग्रंथ में उसी बात को कहा जा रहा है, बहुत ठीक से सुनिएगा। लिखा ईशान्याम देवतागे हम
पूर्व श्याम स्नान मंदिर। ईशान कोण में देवताओं की जगह यह भगवान का मंदिर इस स्थान पर बनाइए, बहुत ज्यादा शोभा है। इस जगह पर आपका मंदिर होगा, घर में दुविधाएं नहीं आएंगी, आफतें नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, यहाँ का मंदिर अति शुभ है। एक दिन ये मैं आपको और बीच में बताऊंगा, मंदिर में कौन सी देवता को आप कौन सी दिशा में बैठाएं। हमारे ग्रंथों में वर्णन है, आप शंकर जी को जहाँ बैठाते हैं उसकी भी एक दिशा है, जगह है। आप दुर्गा माँ को बैठाते हैं उसके लिए भी स्थान है। आप गणेश जी को बैठाते हैं उनके लिए भी जगह है। आप लड्डू गोपाल जी को बैठाते हैं उनके लिए भी जगह है। आप शंख कहाँ रखें, आप घंटी कहाँ रखें, घिसा हुआ चंदन कहाँ रखें, या आप ज्योत जलाते हैं जलती हुई ज्योत कहाँ रखें आप, ये सब हमारे वास्तु ग्रंथों में इसका वर्णन किया है। वो नंबर आएगा वो अभी बताने के लिए, पहले आप ये लिख लीजिए, ग्रह के मध्य से ठीक ईशान कोण में भगवान का पूजा गृह बनाना चाहिए। और जब भी आप अपना भवन बनाते हैं तो जैसे ही आपने मुहूर्त किया है तो सबसे पहले एक ईंट उस जगह पर लगा दें जहाँ जिस स्थान पर आपके मैप में आपके नक्शे में जहाँ मंदिर के लिए इंजीनियर ने जो स्थान बताया है तो सबसे पहले की ईंट है वो। तो आप भूमि पूजन के तत्पश्चात आप भवन निर्माण का जब आप काम कर रहे हैं बाउंड्री के बाद जो अंदर का आप जो काम कर रहे हैं भले ही आप एक ईंट लगाएं उसमें आप मंदिर के लिए एक ईंट लगाइए। ईशान्याम देवता गेहम, ईशान में देवताओं का ग्रह आप बनाते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो ये बात आपकी जरूर निश्चित समझ में आई होगी। जब बिल्डिंग बन करके तैयार हो जाएगी तो वहां तक भी हम पहुंचेंगे जहाँ ये भी बताया गया है कि आप लोहे का, पीतल का, तांबे का, चांदी का, या संगमरमर का, या लकड़ी का आप काय का मंदिर रखेंगे और कौन सा मंदिर ज्यादा शुभ है, बहुत ज्यादा बढ़िया है, जो आपके लिए बहुत अनुकूल होगा, यह भी आप सुनेंगे। ग्रंथ में इस बात का भी वर्णन किया है। तो ईशान्याम देवता की हम देवताओं के लिए जगह है ईशान कोण में। फिर कहा पूर्व श्याम स्नान मंदिरम, पूर्व की तरफ पूर्व की दिशा में स्नानागार, पूर्व की दिशा में वर्णन किया है, नहाने का स्थान बनाइएगा ज्यादा बढ़िया है पूर्व के लिए इसको बताया है। और भी यदि कोई दिशा इसकी होगी तो मैं इस लिस्ट में आगे में बोलूंगा। अभी इस श्लोक में पूर्व श्याम स्नान, स्नान की जगह इस ग्रंथ में पूर्व की तरफ बताइए। फिर कहा है कि आग्नेयाम पाक सदनम भंडारागार मोत्तरे, अग्निकोण में पाकशाला यानी रसोई, ये बिल्कुल कन्फर्म है। अग्निकोण कहते हैं दक्षिण और पूरब का जो एक कोना है उसमें रसोई बनाइए। रसोई के ऊपर एक ऐसी विंडो लगे कि सामने की दिशा आपको दिखाई दे, बाहर की हवा भी अंदर आ रही हो, वास्तु ऐसा बोलता है। अग्नि कोण में आपके परिवार के लिए रसोई अति शुभ है। अग्नि कोण में बनी हुई रसोई में, और ऐसी कभी घटना नहीं घटती कि कहीं वहाँ अग्नि प्रकोप हो जाए, सिलेंडर फट जाए और ऐसी कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, तो उससे बचने के लिए ग्रंथाकार ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। आग्नेयायाम पाक सदनम, पाकशाला यानी रसोई शाला, यह स्थान आप अग्निकोण में दीजिएगा। भंडारागार मुत्तरे, उत्तर दिशा में भंडार घर को बनाने की बात कही है, उसके लिए उत्तर दिशा का चुनाव किया है, जहां पर आप भंडार घर सामान रखने के लिए वह चीजें आप बनाएं। भले ही आपकी रसोई में अग्नि कोण में जो आपकी रसोई बनी है, अब आप उसमें जो सामान रख रहे हैं खाने पीने का, तो उसके लिए ये दिशा बता रहे हैं उसकी बाएं हाथ पर। स्पष्ट श्लोक में लिखा है आग्नेयाम पाक सदनम भंडारा गार उत्तरे,
उत्तर में ये बड़ा शुभ है, बड़ा बढ़िया है, बढ़िया ठीक है ये। फिर कहा आग्नेय पूर्वयोर मध्य दधी मंथन मंदिरम। आगे वर्णन किया है पूर्व के मध्यवर्ती स्थान में, ठीक पूर्व में एकदम मध्य मध्य में ये आप दही है, दूध है, ये सब चीजें रखने की बात कही। अग्निकोण और दक्षिण के मध्य में घृत भंडार, ऐसी तेल है, घी है, ऐसी चीजों को रखने के लिए कहा। दक्षिण एवं नैऋत्य के ठीक मध्य में, देख लो अब सुन लीजिए, दक्षिण और नैऋत्य, नैऋत्य होता है दक्षिण और दक्षिण एवं नैऋत्य के मध्य में, यानी जो पूर्व के बगल का जो कोना है और दक्षिण है, तो जो पूर्व का कोना है और दक्षिण दोनों के बीच में पैखाना, जिसको टॉयलेट बोलते हैं, लैट्रिन बोलते हैं, इस ग्रंथ में बहुत बढ़िया ये कहा गया है स्नान घर अलग है और टॉयलेट अलग है, तो वो बहुत ज्यादा शुभ है करने की। तो आज की स्थिति है, नहीं तो शयन कक्ष से लैट्रिन बाथरूम को बाहर बताया गया है, चाहे हमारा आवास मंडला का हो और चाहे हो वृंदावन का। ये बातें जो हम आपको बोल रहे हैं इनका पालन भी हमने किया है, हमने उसको कच्छ से बाहर रखा है। यदि आप इसको कच्छ में भी रखना चाहते हो, मुझे कागज दो ना एक कलम, मैं एक मैप बना करके बताऊं। इसको आप कमरे में से भी लेट और बाथरूम को कैसे आप अलग कर सकते हैं, उस विधि का इसमें वर्णन किया है, अद्भुत तरीके से वर्णन किया है। स्नान घर पूरब में बड़ा ठीक है, और जो उसके लिए जो पाखाना है उसको इस कोण में नैऋत्य और दक्षिण के कोण में, वो प्राय आप सार्वजनिक लैट्रिन बाथरूम बनाते हैं तो उसमें तो इन सब चीजों का ध्यान जरूर दें, क्योंकि ये चीजें रोजाना तो बनती नहीं है, फिर बाद में तोड़ा फाड़ी करें तो कष्ट भी होता है और दिक्कत भी होती है। नैऋत्य एवं पश्चिम के बीच में बच्चों के लिए स्टडी रूम बहुत ज्यादा बढ़िया है। आइए पहले समझ लीजिए, मुझे दीजिए, मैं अभी एक बना दूं। लाओगे एक बार? एक मैं दिव्य मैप का आपको दर्शन करा रहा हूं, और अपने मोबाइल में इसको सेव कर लीजिएगा। ये लगाओ, यहां ये लगाओ। जिस अद्भुत ग्रंथ में से ये मैं आपको बात कर रहा हूं, मत्स्य पुराण की इसमें बहुत ऋचाएं, अग्नि पुराण की भी है, वेद की ऋचाएं भी यहां लगाइए, और ये मैप आपके बहुत काम में आएगा, ये होगा भी नहीं सबके पास। संस्कृत में इसके श्लोक लिखे हुए हैं, यहां से लगाएं, बिल्कुल यहां लगाइए। एक एक चीज को यहां पर बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया गया। मेरी बुक पे लगाइए, आ रहा है सब आ जाए, पूजा घर, सर्व वस्तु भंडार, स्नान घर, दधि मंथन, रसोई शाला, घी की जगह, शयन कक्ष, पुरुषों का घर, बच्चों का घर, विद्याभ्यास का घर, माताएं जब रूठ हैं तो पुराने शब्दों में उसको कोप भवन कहा है, अन्न आप घर में लेके आते हैं उसके लिए भी जगह है, मनोरंजन की जगह है, कोषागार जहाँ कमाया हुआ पैसा है वो आपको कहाँ रखना है, औषधि घर, ये नहीं है कि दवाई है जहाँ पड़े आप वहीं आप रख दें, उसको भी ये सब रखने के लिए एक जगह बताइए, एक स्थान बताए।
इसको समझा मैं आपको दूंगा। पहले ये आपको यदि तस्वीर मिल जाती है तो ये आप देख लीजिए। मेरे तो मोबाइल में आ नहीं रहा है। आया? ये नेट ही खत्म हो जाते हैं। ये दे दीजिए, नहीं ये दीजिए। चलो ठीक है, मैं समझा देता हूं फिर। बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखिए हाँ, ये देखो, देखो जहां मेरी ये उंगली रखी है पूजा घर, ये बिल्कुल एकदम ईशान है। पूजा घर के ठीक बगल में सर्व वस्तु भंडार पूर्व की तरफ है। उसके बगल में जो सार्वजनिक बाथरूम है वो है। उसके बगल में दधी मंथन गृह है, जहां भी आपको दही बिलोना हो, उसमें से घी निकालना हो, तो रसोई में पूरब और अग्नि कोण के बीच में ये ऐसी जगह बनाई है। घी के डिब्बे आपको कहाँ रखना है, तेल इत्यादि आपको कहाँ रखना है। देखो यहाँ मेरी उंगली रखी हुई है अग्नि और दक्षिण के बीच में। बीमारियों की दवाई कहाँ रखनी है, पूजा घर से उत्तर की तरफ है, औषधि ग्रह है, जहाँ लिखा हुआ है आप देख लीजिएगा। आपको अपनी तिजोरी कहाँ रखनी है, ये ठीक उत्तर के बीचा बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ कोष को रखोगे तो आपका पैसा बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, आपका पैसा गलत जगह पर खर्च नहीं होगा। इस जगह पर आप बिल्कुल ठीक उत्तर में है और इसमें लिखा है कोषागार, वहां अपनी तिजोरी रखिएगा। उसके बगल में फिर हम पूर्व की तरफ चलेंगे, उत्तर से पूर्व की तरफ चलेंगे तो बिल्कुल बगल में मनोरंजन, जो आजकल बच्चे थिएटर बना लेते हैं, टीवी वगैरह देखी जाती है, वो मनोरंजन लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक बिल्कुल वायव्य कोण है जहाँ आपने धान है, चावल है, गेहूं है, ये सब चीज बिल्कुल एकदम वायव्य कोण में रखिएगा। पुराना ग्रंथ है इसलिए इसमें रुदन ग्रह कोप भवन लिखा है। पहले जब भवन बनते थे उस समय एक कोप भवन बनता था, ये वायव्य से लेकर के पश्चिम के बीच की जगह होती है कोप भवन। महाराज दशरथ के भवन में भी कोप भवन की बात कही गई है, कोप भवन सुनिश्चा कुचे राहु। कोप भवन की बात सुनी महाराज ने और वो बड़े दुखित हो गए। तो ये कोप भवन है, वो पश्चिम और वायव्य कोण के बिल्कुल ठीक बीच में बनता है। अब जो भोजन करते हैं वो जगह है, वो एकदम बिल्कुल पश्चिम में है, जहाँ सब लोग, ये आप समझ लीजिए जो आजकल वो टेबल डाली जाती है ना, जिसको ड्राइंग टेबल कहते हैं, इस ड्राइंग टेबल का जो स्थान है जिस पर 6 कुर्सियां या 7-8 कुर्सियां हैं, उसको आप पश्चिम की दिशा में आप डालिएगा। उसको मुझे एक पेन दोगे, उसको पश्चिम की दिशा पर, पश्चिम की दिशा में जहाँ आप लोग भोजन करते हैं, उसके जस्ट बगल में बच्चों का स्टडी रूम है। जो भोजन की जो आपने टेबल लगाई है उसके जस्ट बिल्कुल बगल में दो रूम है, एक तो बच्चों का विद्यार्थी रूम है और एक है प्रसूत का घर। जब बच्चों का जन्म होता है, भले ही बच्चे हॉस्पिटल में जाके जन्म लें, ये आप सबको पता होना चाहिए, ना पता हो तो सुन लीजिए। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हो और आते ही और उस बच्चे को और बच्चे की माँ को उसी बेडरूम में पहुँचा दिया जाए जिसमें वह लोग रोज सोते हैं, नहीं। उनके लिए एक छोटा सा कक्ष बनाया जाता है, उसको प्रसूत का घर कहते हैं। और ये बिल्कुल पश्चिम के जस्ट बगल में ये प्रसूत का घर होता है। जब कोई बहन या माता बच्चे 3 महीने तक उसको इस कमरे में, उसके बेडरूम से अलग इस कमरे में रखा जाता है। इसमें गिलोय जलाई जाती है, गंधक जलाया जाता है, इसमें कपूर जलाया जाता है, जिससे कोई ऐसी अशुभ घटना होने वाले बच्चे के लिए ना घटे। ग्रंथ में ऐसी तमाम बातों का वर्णन किया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको कहते हैं प्रसूत का गृह। बच्चे को जन्म देने से 3 महीने तक एक माता या भगनी
अपने बच्चे के साथ इस कक्ष में रहती है, इस कमरे में रहती है। ये बिल्कुल पश्चिम से हम नैऋत्य कोण की तरफ चलते हैं तब यहाँ दो कमरे बनते हैं, एक है प्रसूति का घर और दूसरा है स्टडी रूम जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल एकदम नैऋत्य जो कोण है एकदम नैऋत्य है, उसमें कहीं कोई ऐसा हथियार वगैरह रखना होता है तो यह उसके लिए, और उसके बिल्कुल जस्ट बगल में पाकखाना है जो सार्वजनिक आप लैट्रिन टॉयलेट बनाएं, ये उसके बगल में बनाया जाता है। ठीक उसके बगल में जो दक्षिण दिशा है शयन कक्ष के लिए ये स्थान को नियुक्त किया है, शयन कक्ष सोने के लिए जो बेडरूम है। ये आप आगे के प्रवचन में या बिल्कुल सुनेंगे कि सोते समय सिर किधर हो और सोते समय पाम किधर हो, इन सब चीज़ों को बड़ी बारीकी के साथ में ये बताया गया है। एक बीच की जो एक जगह है पहले इसको आंगन कहते थे, आज भी ग्रंथों में ये लिखा है कि बीच में कुछ ऐसी जगह हो जिसमें से आकाश स्पष्ट दिखाई दे, जिसमें बादल दिखाई दें, ऐसा बताते हैं कि जिनको आंगन में से रात का चंद्रमा दिखाई देता है उस घर की कांति कभी अस्त नहीं होती, चेहरे पर चमक होती है, दमक होती है। उस परिवार के लोग मुस्कुराहट के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने जीवन का निर्वहन करते हैं जिसके आंगन में से आकाश दिखाई देते कि ये मेरा ये पेन चल रहा है ये। इसलिए पहले के लोग जब भवन मकान बनाते थे तो गांवों में एक लोहे का जाल टाइप का डाल दिया जाता, उसको कहते थे कि ट्रैक्टर डाल दिया उसमें ट्रैक्टर, वो बीच का वो आंगन इतना सा खुला उसको रखते थे जिससे आकाश दिखाई दे, वो ठीक वो बीच की जगह होती थी। ग्रंथ में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है कि रात्रि का चंद्रमा वहां से दिखाई दे, उसकी किरणें उतर करके आवे। तो ऐसे मकानों में वास करने पर सबसे बड़ी बात है क्षय रोग जैसी जो बीमारियां हैं वह कभी भी पकड़ती नहीं है। तो ये जो बात बताई है वो बड़ी अद्भुत बात कही है। तो ये आप सुन रहे हैं, पूरा ये नक्शा आपके मोबाइल पर पहुंच गया है, इसको एक बार आप अपने आप में ये संभाल करके आप रख लीजिएगा। एक बड़ी सुंदर बात कही है कि घर में टोटली जितने भी आपने कमरे बनाए हैं वो एक साइज के नहीं होने चाहिए, विभिन्न साइजों के, हाँ उनकी नाप तौल है थोड़ी, भले ही 6 इंची का अंतर हो उन कमरों में थोड़ा अंतर होना चाहिए ऐसा वास्तु शास्त्र कहता है, भले ही उसमें 3 इंची का अंतर हो, 6 इंची का अंतर हो, 1 फिट का अंतर हो, लेकिन घर में जो रूम है जो कक्ष है उनमें थोड़ा अंतर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप सब 12x12 14x14 के बना दें, भले ही थोड़ा सा अंतर हो उसमें अंतर होना चाहिए। आगे की कथा में आगे के प्रवचन में ये आप सब नाप भी ये सब सुनेंगे, रसोई का नाप कम से कम कितना होना चाहिए, बाथरूम का नाप कितना होना चाहिए, मंदिर की भी नाप तौल कितनी होनी चाहिए, शयन कक्ष के लिए भी ये बात बताई है, आपका भंडार घर कितना होना चाहिए, इन सब बातों का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है जो आने वाले समय में जिसकी चर्चा की गई है। बड़ी सुंदर बात कही गई है, एक मंजिल से लेकर के 4 मंजिल तक के मकानों को अतिशोभ माना गया है। ये और बात सुन लीजिएगा, फिर तो आपके पास जैसे धन की व्यवस्था है 6 मंजिल 7 मंजिल 8 मंजिल 10 मंजिल जितना आप बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर लंबाई चौड़ाई सबका वर्णन किया, ब्राह्मणानाम चतुशालम क्षत्रियाणाम त्रिशालकम द्विशालम सातु वैश्यानाम कनिष्ठामेकासालकम, सब बताया है कि वैश्यों का भवन कितना मंजिल हो, क्षत्रियों का भवन कितना मंजिल हो, ब्राह्मणों का भवन कितना मंजिल हो, कनिष्ठों का भवन कितना मंजिल हो, आपका बेड की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये सब इतनी बारीकी से वर्णन किया है। लेकिन ये आप आज नहीं सुन पाएंगे, ये आप कल सुन पाएंगे। तो आज मुझे आप इजाज़त दीजिएगा, 11:15 बजने को है तो मैं आपसे विदाई लूँगा।